Hello everyone, in this video we will start with the queue. A queue is a linear data structure that stores data sequentially. Queue kya hai? Ek linear data structure hai. Linear data structure mein kaise elements store hote hain? In adjacent way, matlab ek ke baad ek element store hota hai, theek hai? Jaise first element yahan store ho gaya, second element yahan store ho gaya, to ek ke baad ek elements ko store kiya jata hai, okay? Based on the first in first out manner, aur queue kis par based hai? First in first out, jo एलिमेंट आपने सबसे पहले स्टोर किया है राइट वो सबसे पहले रिमूव होगा सो द डेटा इंसर्टेड फर्स्ट विल बी रिमूव फ्रॉम द क्यू फर्स्ट जो भी डेटा आपने क्यू में सबसे पहले डाला है वो सबसे पहले रिमूव होगा राइट सिंस द फर्स्ट एलिमेंट इंसर्टेड इज सर्व्ड एंड रिमूव्ड द क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डेटा स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सबसे पहला एलिमेंट आपने इंसर्ट किया उसको सबसे पहले सर्व किया गया मतलब उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन किया गया सबसे पहले किया गया उसको सबसे पहले रिमूव किया गया इसलिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है ओके अ क्यू हैज टू एंड्स क्यू के दो एंड्स होते हैं नेमली रियर एंड फ्रंट एक उसका फ्रंट एंड होता है राइट और एक उसका होता है रियर एंड ओके द डेटा और एन एलिमेंट इज इंसर्टेड फ्रॉम द रियर एंड जो भी डेटा डाला जाता है वो कहाँ से डाला जाता है वो रियर एंड से डाला जाता है लाइक दिस राइट ओके ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द फ्रंट लेकिन एलिमेंट्स रिमूव कहाँ से किए जाते हैं वो फ्रंट से रिमूव किए जाते हैं ओके एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जाता है रियर एंड से मतलब बैक से ओके क्यू के एंड से एंड एलिमेंट्स को रिमूव किया जाता है क्यू के फ्रंट से ओके रियर इज ऑल्सो नोन एज द टेल रियर को टेल भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या है इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्यू जो क्यू का एंड है उसको रियर बोलते हैं राइट तो रियर को टेल भी कहा जाता है एंड फ्रंट एज द हेड ऑफ द क्यू और फ्रंट को हेड भी कहा जाता है तो क्यू का ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है क्या याद रखना है कि एलिमेंट्स को इंसर्ट कहाँ से किया जाता है रियर एंड से राइट इंसर्शन कहाँ से होगा रियर एंड से एंड रिमूवल कहाँ से होगा डिलीशन कहाँ से होगा वो आपका होगा फ्रंट एंड से ओके द क्यू अब देखो इसके एग्जाम्पल्स देखो द क्यू फॉर अ मूवी टिकट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर अब यहाँ पे देखो मूवी टिकट के लिए क्यू बनी है राइट ओके अब ये पर्सन पहले आया ओके इसके पीछे नेक्स्ट यहाँ पे आया फिर दिस इज फर्स्ट पर्सन देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ राइट कहाँ से जा रहे हैं लाइन से ये एक के बाद एक लगते जा रहे हैं ठीक है रियर एंड है ना ये रियर एंड से इंसर्शन हो रहा है अगर इसके पीछे भी कोई और पर्सन आ सकता है फिर उसके पीछे भी कोई पर्सन आ सकता है तो रियर एंड से आपका इंसर्शन हो रहा है ठीक है लाइन बनती जा रही है द पर्सन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द टिकट अब ये क्या है ये फ्रंट ऑफ द क्यू है ओके द पर्सन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द टिकट विंडो विल गेट द टिकट फर्स्ट अब जो ये कोई फ्रंट है फ्रंट में ये वाला पर्सन है ओके तो ये क्या करेगा सबसे पहले आया और ये इसको सबसे पहले टिकट मिलेगा और ये सबसे पहले चला जाएगा तो जो सबसे पहला आइटम था क्यू का वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा फिर देन सेकेंड आएगा सेकेंड को टिकट मिलेगा फिर सेकेंड चला जाएगा राइट तो फ्रंट ऑफ द क्यू से एलिमेंट्स और यहाँ पे अगर आप रियल लाइफ का एग्जांपल देखोगे तो जो सबसे पहला पर्सन है उसको सबसे पहले टिकट मिला वो चला गया सेकेंड पर्सन आया उसको टिकट मिला वो चला गया ऐसे ऐसे ठीक है ओके तो ये किसका हो गया एग्जाम्पल आपका क्यू का और एग्जाम्पल्स देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ क्यू इन आर एवरीडे लाइफ इंक्लूड्स कस्टमर फॉर्मिंग अ क्यू एट द कैश काउंटर इन बैंक अब देखो बैंक में देखो ये पर्सन यहाँ पे देखो फ्रंट में ये फ्रंट ऑफ क्यू है ओके एंड दिस इज रियर ऑफ द क्यू डेड गर्ल ओके अब देखो कोई और पर्सन आता है वो भी यहाँ से रियर से इंसर्ट करेगा यहाँ पे पीछे लग जाएगा फिर कोई और आता है वो भी लाइन में क्यू में पीछे लग जाएगा राइट ओके अब जो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है राइट जो सबसे पहले आया उसको क्या मिलेगा सबसे पहले कैश मिल जाएगा और ये पर्सन सबसे पहले चला जाएगा तो फ्रंट से क्या हो रहा है डिलीशन हो रहा है एंड रियर से क्या हो रहा है इंसर्शन हो रहा है पीछे से लोग लगते चले जाएंगे आगे से लोग कैश लेके क्या करते जाएंगे क्यू से बाहर निकलते चले जाएंगे ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हीकल्स क्यूट एट फ्यूल पंप्स राइट अब देखो फ्यूल पंप पे क्या है व्हीकल्स एक के बाद एक लाइन बनाते जाते हैं पीछे से इंसर्ट करते जाते हैं रियर एंड से वो इंसर्ट कर मतलब रियर एंड से क्या हो रहा है
व्हीकल्स का आना हो रहा है और फ्रंट एंड से क्या हो रहा है, फ्रंट एंड में जो सबसे पहले गाड़ी आई ओके वो क्या होगी, उसके अंदर पेट्रोल या फ्यूल जो भी है वो फिल होगा और वो चली जाएगी राइट, फिर देन सेकंड चली जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे फ्रंट एंड से क्या हो रहा है, फ्रंट से क्यू एलिमेंट्स और आप कह सकते हो व्हीकल्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं एंड रियर से क्या हो रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं ओके। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, क्यू का एग्जाम्पल हो गया। सो फर्स्ट वी हैव एन क्यू ओके, इंसर्टिंग एन एलिमेंट ऑफ डेटा इन टू द क्यू इज नोन एज एन क्यू। क्यू के अंदर जब आप डेटा इंसर्ट करते हो, एलिमेंट इंसर्ट करते हो, इस प्रोसेस को एन क्यू कहा जाता है। एन एलिमेंट इज इंसर्टेड और एन क्यूड फ्रॉम द रियर एंड ऑफ द क्यू। अभी आपको पता है कि एलिमेंट कहाँ से इंसर्ट किया जाता है, रियर एंड से इंसर्ट किया जाता है ओके। इफ अ क्यू इज फुल देन वी कैन नॉट इंसर्ट एनी न्यू एलिमेंट इन टू द क्यू। अगर क्यू फुल है, अगर क्यू का साइज डिफाइंड है, मान लो क्यू का साइज डिफाइंड है कि इसमें 5 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं, तो अगर आप 5 के बाद 6 एलिमेंट इसके अंदर डालना चाहोगे तो एक एक्सेप्शन क्रिएट होगा, उस एक्सेप्शन को या कंडीशन को आप क्या बोलोगे, ओवरफ्लो कंडीशन राइट। नाउ वी कैन यूज, अब आप एन क्यू ऑपरेशन जब करते हो तो आप कौन सा स्टेटमेंट देते हो, क्यू का नेम क्यू डॉट अपेंड। अपेंड से क्या है, क्यू के अंदर आप एलिमेंट्स को ज्वाइन करते जाओगे, अपेंड करते जाओगे आइटम्स राइट ओके। जब ये प्रैक्टिकली करेंगे तब इस स्टेटमेंट का यूज होगा। वेयर आइटम इज द आइटम बींग पुश्ड इन द क्यू, जो आइटम हम इस फंक्शन के थ्रू डाल रहे हैं वो कौन से आइटम्स हैं जो हम क्यू के अंदर अपेंड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। द आइटम विल बी एडिड एट द रियर एंड ऑफ द क्यू राइट। आइटम्स कहाँ से ऐड होंगे, रियर एंड से ऐड होंगे ओके। तो एन क्यू क्या प्रोसेस है, एन क्यू इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन द क्यू। नाउ नेक्स्ट वी हैव डी क्यू राइट। डिलीटिंग और रिमूविंग एन एलिमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम द क्यू इज नोन एज डी क्यू। जब आप क्यू से कोई भी एलिमेंट रिमूव करते हो, डिलीट करते हो, उस प्रोसेस को डी क्यू कहा जाता है। एन एलिमेंट इज डिलीटेड और डी क्यूड फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। और कहाँ से आप डी क्यू करते हो, आप फ्रंट ऑफ द क्यू से एलिमेंट्स को डी क्यू करते हो या रिमूव करते हो ओके। इफ अ क्यू इज एम्प्टी देन वी कैन नॉट रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। अगर मान लो आपकी क्यू एम्प्टी है तो क्या आप उसमें से डेटा रिमूव कर सकते हो, नहीं राइट। अगर आप एम्प्टी क्यू से डेटा रिमूव करना चाहोगे तो एक एक्सेप्शन क्रिएट होगा या आप कह सकते हो कंडीशन आएगी, उसको क्या बोलोगे आप, अंडरफ्लो कंडीशन राइट। और डेटा रिमूव करने के लिए आप क्या स्टेटमेंट देते हो, क्यू का नाम ओके डॉट पॉप फंक्शन, और पॉप के अंदर आप जीरो इंडेक्स पास करोगे क्योंकि जीरो इंडेक्स पर ही क्यू का फर्स्ट एलिमेंट होता है ओके। इसको प्रैक्टिकली करेंगे अभी। इट रिमूव द फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द क्यू डैट इज द आइटम एट द फ्रंट एंड एंड रिटर्न्स इट राइट। तो डी क्यू फंक्शन, डी क्यू ऑपरेशन क्या करता है, फ्रंट एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है और रिटर्न कर देता है, डिस्प्ले करा देता है ओके। टू परफॉर्म एन क्यू एंड डी क्यू एफिशियंटली ऑन अ क्यू फॉलोइंग ऑपरेशंस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। जब आप एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस करते हो तो आप कुछ और ऑपरेशंस का भी सहारा लेते हो, वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है आपका इज एम्प्टी राइट। इज एम्प्टी फंक्शन डिटरमाइंस वेदर अ क्यू इज एम्प्टी और नॉट। तो आप सबसे पहले ये पता लगाते हो कि जो आपकी क्यू है वो एम्प्टी है कि नहीं है राइट। अगर एम्प्टी है और उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, उसमें से एलिमेंट्स को डिलीट करना चाह रहे हो राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सेप्शन क्रिएट होगा फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको पता लगाना है इज एम्प्टी तो आप स्टेटमेंट दोगे इज एम्प्टी फंक्शन और उसमें आप क्यू का नेम पास करोगे राइट। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी। इज एम्प्टी फंक्शन ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब क्यू एम्प्टी होगी, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इट इज़ यूज टू अवॉइड अंडरफ्लो एक्सेप्शन वाइल परफॉर्मिंग डी क्यू ऑपरेशन। तो अगर आप डी क्यू ऑपरेशन कर रहे हो, एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे हो, तो पहले आप ये पता लगा लो कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है उसके बाद भी अगर आप डी क्यू ऑपरेशन कर रहे हो तो कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगा, आपका अंडरफ्लो एक्सेप्शन राइट। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका पीक। इट रिटर्न्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। तो पीक से क्या होता है, जो क्यू का फर्स्ट एलिमेंट होता है राइट, वो ये रिटर्न कर देगा, डिस्प्ले करा देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिमूव हो जाएगा, एलिमेंट वहीं रहेगा बट ये इसको डिस्प्ले करा देगा ओके। ये दिखा देगा कि क्यू के पीक पर कौन सा एलिमेंट है। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका इज फुल। इज फुल फंक्शन चेक्स वेदर द क्यू इज फुल और नॉट। और तो ये बताता है कि क्यू फुल है या नहीं है ओके। और इसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो क्या स्टेटमेंट दोगे, इज फुल, और इज फुल के अंदर आप क्यू का नेम पास करोगे।
If the queue is not full, the insert operation can be performed. अगर आपकी queue full नहीं है तो आप उसके अंदर और elements को insert कर सकते हो. It is used to avoid overflow exception while performing NQ operation. तो ये किस लिए use किया जाता है? Overflow exception को avoid करने के लिए. जब आप NQ operation कर रहे हो, elements को insert कर रहे हो. Right? अब यहाँ पे हम एक पॉइंट देखेंगे. वी डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट इस फुल फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता पाइथन के अंदर. राइट, क्योंकि पाइथन क्या है, डायनेमिक लैंग्वेज है. डज नॉट आस्क फॉर द क्रिएशन ऑफ द लिस्ट हैविंग फिक्स साइज. तो पाइथन के अंदर जो लिस्ट बनाई जाती है वो फिक्स साइज की नहीं होती हैं. हैंस वी विल नेवर एनकाउंटर अ सिचुएशन व्हेन द क्यू इज फुल. तो यहाँ पे वो सिचुएशन कभी नहीं आएगी जब आपकी क्यू फुल होगी. फाइन, ओके. अब देखो एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं. ये हमारे पास एक एम्प्टी क्यू है. जब एम्प्टी क्यू है तो अब देखो इसमें इंडेक्स वैल्यूज, आप देखो 0, 1, 2, 3, हमेशा इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी. फ्रंट इसका क्या है, -1 है. रियर इसका क्या है, -1 है. ठीक है, एम्प्टी क्यू के अंदर ये आपकी एम्प्टी क्यू है. ओके, अब आपने क्या किया, आपने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया. एलिमेंट कहाँ पे आपका आ गया, 0 पे, 0 इंडेक्स पे आ गया. तो अब आपका फ्रंट भी 0 है और आपका रियर भी 0 है. ठीक है, फ्रंट भी आपका यही है और रियर भी आपका यही है, क्योंकि रियर से ही आपने इंसर्ट किया है फ्रंट, लेकिन वो एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट भी वही है और रियर भी वही है. ओके, अब आपने क्या किया, अब आपने दो एलिमेंट्स और इंसर्ट किए. यहाँ पे आपके 0 इंडेक्स पे 7 आ गया, 1 पे आपका 5 आ गया एंड 2 इंडेक्स पे आपका 2 आ गया. लेकिन आपने इंसर्ट कहाँ से किए, रियर एंड से इंसर्ट किए, यहाँ से. तो यहाँ से आपने इंसर्ट किए हैं. ओके, तो आपका फ्रंट अब क्या है, 0 और आपका रियर क्या है, 2 है. ओके, नाउ अब आपने क्या किया, 7 को यहाँ से रिमूव कर दिया. अब आपका फ्रंट क्या बन गया, 1. राइट, अब आपका फ्रंट 1 है और रियर आपका 2 है. रियर आपका 2 है. राइट, ओके. अब आपने और डेटा इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, और डेटा इंसर्ट कर दिया. तो फ्रंट तो अभी आपका 1 ही है, लेकिन रियर आपका क्या हो गया, 4, इंडेक्स 4. रियर आपका इंडेक्स 4 आ गया. ठीक है, 2 एलिमेंट्स एडिड टू द क्यू. राइट, अब आपने क्या किया, फ्रंट से ये जो एलिमेंट्स थे इनको रिमूव कर दिया. राइट, रिमूव कर दिया. अब क्या हुआ, आपका फ्रंट भी 4 है एंड रियर भी आपका 4 है. जो एक एलिमेंट रह गया है अब यही आपका क्यू का फ्रंट बन गया है. तो फ्रंट भी आपका 4 है एंड आपका रियर भी 4 है. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग द लिस्ट. ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी हेडिंग डालते हैं. हेडिंग आपकी होगी मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट क्यू ऑपरेशंस यूजिंग लिस्ट. राइट, तो लिस्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, क्यू ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे. राइट, अब मैं क्या करती हूँ, अपना मेन प्रोग्राम बनाती हूँ. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना मेन प्रोग्राम बना लिया. मेन प्रोग्राम ये मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ, मेन प्रोग्राम. ठीक है, मेन प्रोग्राम. राइट, अभी मेरी क्यू क्या है, मेरी क्यू है एम्प्टी. राइट, तो मैंने यहाँ पे ले लिया क्यू एम्प्टी. ये इससे क्या हो गया, क्यू बन गई है, एम्प्टी क्यू बन गई है. राइट, इस स्टेटमेंट से मेरी एम्प्टी क्यू बन गई है. राइट, तो अब फ्रंट जो क्यू का है वो क्या है, नन है. ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो -1 भी लिख सकते हो, फ्रंट इक्वल्स टू -1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे. वाइल लूप चलाएंगे क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा, तो इसलिए हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे. और मैंने यहाँ पे दे दिया कि जब तक कि कंडीशन 2 है तब तक मेरा लूप चलता रहे. राइट, ओके. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना मेन्यू क्रिएट करेंगे. तो मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पर क्यू ऑपरेशंस, क्यू ऑपरेशंस मैंने प्रिंट करा दिया. राइट, और कौन कौन से ऑपरेशंस आपको करने हैं, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर 1 मैंने कर दिया यहाँ पे एन क्यू. राइट, ओके, इसको ब्रैकेट क्लोज. राइट, नेक्स्ट हम करेंगे
प्रिंट। एन क्यू में क्या होता है, आप डेटा इंसर्ट करोगे अपनी क्यू के अंदर, राइट। सेकंड मैंने करवा दिया अपना ऑपरेशन डी क्यू, राइट। डी क्यू में क्या होता है, आप डेटा को रिमूव करते हो, एलिमेंट्स को रिमूव करते हो। ओके, नेक्स्ट हम अपना करेंगे ऑपरेशन कौन सा, हम करेंगे पीक। पीक से क्या है होता है, जो क्यू का टॉप एलिमेंट होता है वो डिस्प्ले हो जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंट। प्रिंट करा दिया अपनी क्यू को, राइट। डिस्प्ले, इसको भी कैपिटल में लेते हैं, डिस्प्ले क्यू। ओके, डिस्प्ले क्यू, और एंड में हम करवा देते हैं इसको एग्जिट, राइट। तो हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन है वो क्या होगा, एग्जिट, ठीक है, एग्जिट, फाइन। अब देखो ये मैंने प्रिंट करा दिया, आ जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, लूप चलेगा, ये सब आपका प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करना है, ये चॉइस आपको कहीं एंटर करनी है, वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो। तो मैं उसको क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अपना सी एच वेरिएबल, जिसके अंदर मेरी चॉइस जाके स्टोर होगी। और अब मैं क्या करवा रही हूँ, मैं इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूज़र से इनपुट कराऊँगी यूज़र की चॉइस, राइट। ओके, तो हम यहाँ पर कर देते हैं एंटर योर चॉइस, ठीक है। और चॉइस हम रख लेंगे 1 से लेकर 5 तक, कि 1 से लेकर 5 तक आपको चूज़ करना है, ठीक है। देखो इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप यूज़र से चॉइस एंटर कराओगे, चॉइस एंटर होके कहाँ चली जाएगी, सी एच वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे हमने इंट क्यों लिया, क्योंकि इनपुट से आप जो भी यूज़र से एंटर करवाओगे, ठीक है, जो भी डेटा आप एंटर करवाओगे वो एज अ टेक्स्ट इनपुट होगा, एज अ स्ट्रिंग, राइट। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपने इन फंक्शन का यूज़ किया है, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने अब चॉइस आपकी कहाँ चली जाएगी, सी एच वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। अब चॉइस के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, अपने मेन्यू को इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अगर मेरी चॉइस सी एच में मेरी चॉइस है ना, अगर मेरी चॉइस 1 है, अगर किसी ने 1 को इनपुट किया है, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1 में क्या करना है, मुझे डेटा एन क्यू करना है, ओके, अपनी क्यू में डालना है। तो मैंने यहाँ पे लिया आइटम इज इक्वल टू इंट, इंट इनपुट एंटर आइटम, ओके। अब मैं क्या करूँगी, मेरी चॉइस 1 है तो मुझे डेटा डालना है क्यू के अंदर, तो मैं डेटा ले रही हूँ यूज़र से एंटर आइटम, और वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, आइटम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। और मैंने आपको इन फंक्शन का यूज़ तो बता ही दिया है, जो भी इनपुट होता है वो एज अ टेक्स्ट होता है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इन फंक्शन का यूज़ करते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो डेटा इनपुट हो चुका है, ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एन क्यू, एन क्यू क्या है, मेरे फंक्शन का नाम है, जो मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैं क्रिएट करूँगी, मैं अपने एन क्यू फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। और एन क्यू फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, जो मेरी एम टी क्यू है, राइट, ये मेरी एम टी क्यू है, एम टी क्यू को पास किया, ओके, और जो आइटम मैंने यूज़र से इनपुट कराया है उस आइटम को पास किया, ये मेरी एम टी क्यू है और ये मेरा आइटम है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एन क्यू फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, राइट। अब एन क्यू फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो क्या है, मेरे को एन क्यू फंक्शन बनाना भी है, राइट। एक स्टेटमेंट और दे देती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या करा दिया, यूज़र से करा देंगे इनपुट, प्रेस एंटर, एंटर टू कंटिन्यू, कंटिन्यू, ओके। ये मैंने एक स्टेटमेंट और यूज़र से एंटर करा दी, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने एन क्यू फंक्शन को कॉल किया है, और एन क्यू फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे पास की है कि क्या, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स को मैंने पास किया है, ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है, क्यू को पास किया है और आइटम को पास किया है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एन क्यू फंक्शन पहले बनाना है, राइट, ओके। तो मैं क्या करूँगी, हम क्या करते हैं, मेन प्रोग्राम से ऊपर जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम एन क्यू फंक्शन क्रिएट करते हैं, डेफ, डेफ, ठीक है, ये आपका कीवर्ड है, एन क्यू,
एन क्यू, ओके मैंने एक पैरामीटर ले लिया क्यू और एक पैरामीटर ले लिया मैंने आइटम, राइट तो जो मैंने एम टी क्यू पास की है, राइट ओके जो आप देखो आपका ये वाला जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो, राइट आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो जो आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हो वो कॉलिंग फंक्शन में क्या बन जाता है, पैरामीटर्स बन जाते हैं, पैरामीटर्स हैं ये आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये आपके पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, वेरिएबल क्यू में चली जाएगी और आइटम की वैल्यू चली जाएगी आइटम में, ठीक है। जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज़ पास करते हो उस ऑर्डर में ही वैल्यूज़ आपकी पहुँचती हैं, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ एन क्यू, क्यू आइटम, ओके अब यहाँ पे कॉलन ही लगाया कॉलन, राइट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरी क्यू है, क्यू देखो जो मेरी एम टी क्यू थी, ये मेरी एम टी क्यू थी वो क्यू में चली गई थी, इसमें मैंने पास कर दी थी, और जो यूज़र से आपने डेटा या आइटम एंटर कराया है वो भी वो यहाँ पर है आइटम में। तो मैं क्या करूँगी अब एन क्यू के फंक्शन का यूज़ करूँगी, क्यू डॉट अपेंड, ये मैंने अभी आपको बताया था क्यू डॉट अपेंड, जो मेरी एम टी क्यू है उसमें अपेंड हो जाए, जुड़ जाए क्या आइटम, आइटम जो मैंने यूज़र से इंसर्ट कराया है, राइट अब मैं क्या करती हूँ प्रिंट करा देती हूँ, प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, एलिमेंट इंसर्टेड इन अ क्यू, ठीक है एलिमेंट इंसर्टेड इन क्यू या इन अ क्यू की जगह इन क्यू कर देते हैं, एलिमेंट इंसर्टेड इन क्यू, ओके राइट और प्रिंट भी करा देते हैं अपनी क्यू को, हमने प्रिंट भी करा दिया अपनी क्यू को, यहाँ पे क्यू को प्रिंट करा दिया, फाइन। अभी मैंने सिर्फ एक ऑपरेशन किया है इसका एन क्यू का, राइट एन क्यू का ऑपरेशन किया है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, इसको सेव कर लेंगे हम लोग, सेव कर लिया, इसको मैं अलग लोकेशन पे सेव करूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको क्यू कर देती हूँ, Q1 ले लेते हैं, चलो इसका नाम Q1 सेव कर दिया, राइट एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट हो गया, आपकी चॉइस क्या है, 1 है एन क्यू करना है, तो मैंने फर्स्ट आइटम कर दिया 20, ठीक है फिर मेरी चॉइस 1 है, और मैंने सेकंड आइटम कर दिया 30, ठीक है फिर मेरी चॉइस 1 है, ओके और मैंने थर्ड आइटम कर दिया 40, राइट तो देखो आपके यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए हैं इंसर्ट होके 20, 30, 40, तो अभी आपने एक क्यू क्रिएट की है, ओके और उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है, फाइन ओके अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे, ओके अब नेक्स्ट ऑपरेशन आपका क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट चॉइस पे चलते हैं, नेक्स्ट चॉइस पे चलेंगे, नेक्स्ट चॉइस है आपका डी क्यू कि आपको एलिमेंट को रिमूव करना है, फाइन तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और मैंने कर दिया एलिफ, एलिफ अगर आपकी एलिफ अगर आपकी चॉइस क्या है, आपकी चॉइस 2 है, ओके तो यहाँ पे हम किसको कॉल करेंगे, डी क्यू फंक्शन को कॉल करेंगे, अभी मैंने डी क्यू फंक्शन बनाया नहीं है, ठीक है मैंने अभी कॉल कर दिया है, ठीक है और कॉल करके मैंने उसके अंदर अपनी क्यू को सेंड कर दिया, जो भी मेरे क्यू के अंदर डेटा है या एम टी क्यू है जो भी है मैंने अपनी क्यू को सेंड कर दिया, राइट ओके तो यहाँ पे अपनी क्यू को सेंड कर दिया है, तो मैं यहाँ पे ऊपर क्या करूँगी, अपनी क्यू अपना डी क्यू फंक्शन क्रिएट करूँगी, राइट अब देखो डी क्यू फंक्शन क्रिएट करने से पहले डी क्यू क्या, हमें अपनी क्यू में से एलिमेंट्स को रिमूव करना है, लेकिन हमें पहले ये तो पता लगाना पड़ेगा कहीं क्यू एम टी तो नहीं है, अगर एम टी है तो आप उसके अंदर डी क्यू फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, फाइन तो उसके लिए डी क्यू फंक्शन से पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगी अपना इज एम टी, इज एम टी फंक्शन, राइट और इसमें मैंने क्यू क्यू की वैल्यू को पास कर दिया, ठीक है क्यू मेरी इसके अंदर आ गई, इफ इफ क्यू की क्यू की जो क्यू है आपकी वो क्या है एम टी है, अगर आपकी क्यू एम टी है तो क्या रिटर्न हो जाए, तो रिटर्न हो जाए आपका ट्रू, राइट अभी हमने देखा था इस एम टी फंक्शन कैसे वर्क करता है, अगर क्यू एम टी है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, राइट और अगर क्यू एम टी नहीं है,
तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, फॉल्स राइट। तो हमारा ये इज एम्प्टी फंक्शन बन गया है और इसके अंदर हमने क्यू को पास कर दिया है राइट। अब देखो इज एम्प्टी फंक्शन का हम यूज करेंगे डी क्यू फंक्शन में, तो हम अपना डी क्यू फंक्शन बनाते हैं डेफ, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं जिससे, हाँ ठीक है, डेफ, और यहाँ पे हमारा डी क्यू फंक्शन बनेगा डी क्यू फंक्शन, और इसमें हमने क्या किया है क्यू को, जो हमारा इसके अंदर पैरामीटर क्या है क्यू, यहाँ पे हमने क्यू क्यों लिया है, क्यू क्यों इसलिए लिया है जो डी क्यू फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया है उसके अंदर हमने एक ही आर्ग्यूमेंट को पास किया है क्यू को, क्यू अपनी क्यू को पास किया, ये क्यू कहाँ पे चली जाएगी, इस क्यू पैरामीटर में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से डेटा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ओके डेफ डी क्यू, ओके। अब हमने क्या किया, इस एम्प्टी फंक्शन बना लिया था, तो अब हम चेक कर लेते हैं पहले इफ इज एम्प्टी, इसके अंदर इज एम्प्टी फंक्शन को आप यूज कर रहे हो, इज एम्प्टी आपकी यहाँ पे क्या है, इज एम्प्टी क्यू, ओके। अगर आपकी क्यू एम्प्टी है ओके तो आप प्रिंट करा दो, मैं प्रिंट करा देती हूँ, Q is empty, okay, और आप under लिख सकते हो under flow condition, ठीक है, under flow condition हो जाएगी अगर आप Q तो empty है, अगर आप उसके अंदर से data remove करोगे under flow condition, ठीक है, ओके। और अगर Q empty नहीं है राइट, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करोगे, आपने एक वेरिएबल लिया आइटम और उसमें आप यूज़ करोगे क्यू डॉट पॉप फंक्शन का, और यहाँ पे आपने जीरो इंडेक्स कर दिया, ठीक है, पॉप फंक्शन में आपने जीरो इंडेक्स का एलिमेंट आप रिमूव कर रहे हो, क्योंकि फ्रंट में से हमेशा क्यू के एलिमेंट रिमूव होता है, ओके, उसके जीरो इंडेक्स से रिमूव होता है, ओके, रिमूव हो गया और रिमूव होके कहाँ पे चला जाएगा, आइटम वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या करते हैं, आइटम वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट आइटम डिलीटेड फ्रॉम क्यू इज आइटम राइट, आपने प्रिंट यहां पे प्रिंट करा दिया। तो अब डी क्यू फंक्शन को एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है, ओके, कंट्रोल एस एंड F5 राइट। अब ये आपसे चॉइस पूछ रहा है, सबसे पहले आपको एंटर करना पड़ेगा एलिमेंट, मैंने 23 कर दिया, ठीक है, फिर से मैंने एक एलिमेंट और एंटर कर दिया इसके अंदर, तो मैंने 67 कर दिया राइट, एक एलिमेंट और ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैंने 89 ले लिया, ठीक है। अब मैं अपनी नेक्स्ट चॉइस क्या करूँगी, डी क्यू, ठीक है। अब देखो मेरी जो क्यू है वो ये है 23, 67, 89, तो मेरे फ्रंट में क्या है 23 है, फाइन। अगर मैं यहाँ पे डेटा को रिमूव करती हूँ, मैंने 2 किया राइट, तो मेरा क्या यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आइटम डिलीटेड फ्रॉम क्यू इज 23, फ्रंट से आपका क्यू के फ्रंट से आपका एलिमेंट डिलीट हुआ है राइट, ओके। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं आइडल में अपना क्यू, फाइन। नेक्स्ट फंक्शन हम करेंगे, आपने एन क्यू कर लिया, डी क्यू कर लिया राइट, अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट चॉइस, अब नीचे आते हैं नेक्स्ट चॉइस देखते हैं, नेक्स्ट हमारी क्या है, पीक, पीक है आपका, ओके, तो अपनी नेक्स्ट चॉइस को हम एंटर करेंगे, एलिफ, एलिफ अगर आपकी चॉइस क्या है, आपकी चॉइस है 3, ठीक है, 3 क्या है आपका पीक, मतलब आपको क्यू का फर्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं पीक फंक्शन को कॉल करूंगी और उसके अंदर अपनी क्यू को सेंड कर रही हूँ मैं राइट, इसके अंदर मैंने अपनी क्यू को सेंड कर दिया और इनपुट में ये ले लेते हैं हम, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, कंट्रोल सी, ठीक है, इसको ले लेते हैं कंट्रोल वी, आप यहाँ पे भी डाल सकते हो कंट्रोल वी, ठीक है, आपकी मर्जी, यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप ये यूज़ करना चाहते हो इनपुट यूज़र से एंटर प्रेस करवा के करवाना चाहते हो
कंटिन्यू करने के लिए या नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया पी, अब यहाँ पे पी फंक्शन को मेरे को क्या करना है, कॉल करना है। चलो यहाँ पे पी फंक्शन को तो हम बनाएंगे, उससे पहले एक और मैं यहाँ पे करती हूँ, एग्जिट कर लेती हूँ। एग्जिट के लिए मुझे किसी फंक्शन को कॉल नहीं करना, मैंने यहाँ पे एलिफ कर लिया, एलिफ सी एच इक्वल्स टू 5, क्योंकि एग्जिट मेरा 5 पर है, 5 ओके, और 5 पे क्या हो जाए मेरा ब्रेक हो जाए, मतलब जो मेरा ऑपरेशन चल रहा है वो यहाँ पे फिनिश हो जाए, ठीक है ओके। मैंने यहाँ पे ब्रेक ले लिया एलिफ के अंदर, फाइन। और अगर मान लो मेरी 1-5 में से कोई भी चॉइस नहीं है ओके, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एल्स कंडीशन लेती हूँ, एल्स इन द एंड प्रिंट, प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पे इनवैलिड चॉइस ओके, ये मैंने इनवैलिड चॉइस प्रिंट करा दिया, और आप प्रिंट करा दो, चलो इतना ही कर देते हैं, इनवैलिड चॉइस यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। अगर 1-5 आपने कोई भी आपकी कंडीशन नहीं है 1-5, तो अगर तो आप ये प्रिंट करा दोगे इनवैलिड चॉइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पीक फंक्शन को हम कॉल कर रहे थे, तो पीक फंक्शन हम बनाते हैं ऊपर जाके ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीक फंक्शन को क्रिएट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे अपना डेफ ओके, और पीक फंक्शन को बनाया पीक, पीक के अंदर मैंने क्यू पैरामीटर को यूज़ किया है, जिसके अंदर क्यू आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। जो मैंने नीचे से जब कॉल किया है, देखो यहाँ पे कॉल किया है तो मैंने क्यू को ऊपर भेजा है, जब कॉल किया है सॉरी यहाँ पे पीक फंक्शन में क्यू को ऊपर भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पीक फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं अगेन। अब यहाँ पे मैं इज एम्प्टी का यूज़ कर लूँगी, इज एम्प्टी फंक्शन का, इफ इज एम्प्टी राइट, इज एम्प्टी फंक्शन में आप क्यू को पास करोगे, अगर क्यू आपकी एम्प्टी है तो प्रिंट हो जाए, सिंपल प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट प्रिंट क्या करा देंगे, क्यू इज एम्प्टी राइट, प्रिंट करा दिया क्यू इज एम्प्टी, एल्स नहीं तो आप क्या प्रिंट कराओगे, प्रिंट आइटम एट फ्रंट इज, देखो यहाँ पे हम करेंगे आइटम एट फ्रंट इज, ठीक है। तो क्यू के कौन से इंडेक्स पर होता है आपका फ्रंट आइटम, 0 इंडेक्स पे होता है, तो हम इसको प्रिंट करा देंगे यहाँ पर ओके दिस राइट। अब मैं पहले आपको पीक की वैल्यू प्रिंट करा के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया F5 राइट। तो सबसे पहले आपकी चॉइस क्या है, 1, मैंने एंटर कर दिया 45, फिर से मैं 1 कर रही हूँ, और मैंने एंटर कर दिया 78, फिर से मैं 1 कर रही हूँ, और मैंने कर दिया 89, ठीक है। अब मेरी चॉइस क्या होगी, अब मेरी चॉइस होगी 3, मुझे पी कराना है, मतलब उसका जो टॉप वाला एलिमेंट है उसको शो कराना है, ठीक है। तो आपका आ गया आंसर, आइटम एट फ्रंट इज 45, ठीक है। आइटम आपका फ्रंट पे क्या है, 45। अब मुझे, ठीक है, ये आपका आ गया आइटम एट फ्रंट इज 45, फाइन। अब प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, अब मैंने 5 कर दिया तो ये मेरा एग्जिट हो गया, फाइन। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं ओके। नेक्स्ट ऑपरेशन आपका क्या है, पीक हमने कर लिया राइट। अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट चॉइस क्या है, नेक्स्ट चॉइस है आपका डिस्प्ले क्यू, आपको क्यू को डिस्प्ले कराना है, फाइन। तो हम यहाँ पे अपनी चॉइस को एंटर कराते हैं, फाइन। आपने किया एलिफ सी एच आपका किसके इक्वल हो, 4 के इक्वल हो, फाइन। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे, और डिस्प्ले के अंदर आपने क्यू की वैल्यू को पास कर दिया, मतलब अपनी क्यू को पास कर दिया है राइट। और यहाँ पे अगर आप ये एंटर करना चाहते हो तो कर दो इनपुट वाला कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया कंट्रोल वी, ठीक है। जब यूज़र एंटर प्रेस करेगा तो क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा, इसलिए मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया इनपुट के थ्रू, फाइन। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा दिया ओके। अब क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को बनाएंगे, हमने डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट नहीं किया है,
ओके, तो हम यहाँ पे अब डिस्प्ले को फंक्शन को क्रिएट करेंगे. फाइन, डेफ डिस्प्ले. डिस्प्ले में मैंने क्यू पैरामीटर को लिया है, जो जिसके अंदर किसकी वैल्यू आएगी, क्यू आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी. यहाँ पे देखोगे इस वाले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चली जाएगी इसके अंदर. ठीक है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो कॉलिंग फंक्शन क्या करता है, जो भी उसके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू पास कर देता है कॉल्ड फंक्शन को. यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है. ठीक है, राइट. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब मैं को यहाँ पे सिंपल पहले मैं चेक कर लूँगी इफ इज एम्प्टी, अगर मेरी क्यू एम्प्टी तो नहीं है. राइट, मैंने देखो एक बार इज एम्प्टी फंक्शन को बनाया, और बार बार आप इसको यूज़ कर सकते हो. इफ़ इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो सिंपल हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे क्यू इज एम्प्टी और कुछ नहीं, क्यू इज एम्प्टी. राइट, इसको प्रिंट करा दिया क्यू इज एम्प्टी. ओके, अगर नहीं है तो आपने प्रिंट करा दिया प्रिंट सिंपली. अगर आपको सिंपली क्यू को प्रिंट कराना है तो मैंने क्यू यहाँ पे सिंपली मैंने प्रिंट करा दिया क्यू. राइट, अब मैं इसको ऐसे भी करवा करके दिखाऊंगी, और मैं लूप के साथ भी करके दिखाती हूँ आपको. ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया. ओके, और इसको हमने F5 रन कर दिया. पहले मैं एलिमेंट इंसर्ट करती हूँ, मैंने 20 को इंसर्ट किया, कंटिन्यू. फिर से मैंने यहाँ पे 30 को इंसर्ट किया, कंटिन्यू. फिर से मैंने यहाँ पे 40 को इंसर्ट कर दिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करानी है, तो मैं चॉइस 4 दूंगी डिस्प्ले कराने के लिए. देखो मेरी सिंपल वे में यहाँ पे एज अ लिस्ट क्यू आ गई है. राइट, आ गई है. ओके, अब मैंने फिर से एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया और 5 एग्जिट कर दिया. राइट, ओके. अगर मैं चाहती हूँ लूप के थ्रू इसको प्रिंट कराना, तो मैं लूप के थ्रू भी प्रिंट करा सकती हूँ. ठीक है, लूप के थ्रू आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखो मैं करती हूँ फ्रंट. अभी मेरे क्यू का क्या है, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, फाइन, तो फ्रंट क्या है मेरा, जीरो इंडेक्स पर. ठीक है, और जो मेरा रियर है वो क्या है, लेंथ ऑफ क्यू. ठीक है, लेंथ ऑफ क्यू माइनस वन, लेंथ ऑफ क्यू माइनस वन. ठीक है, रियर लेंथ ऑफ क्यू माइनस वन क्यों होता है, मान लो यहाँ पे, क्योंकि वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं. तो 5 अगर एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट एलिमेंट 0 पे आएगा, फिर सेकंड 1 पे आएगा, ऐसे करके 4 इंडेक्स पे आपका लास्ट एलिमेंट आएगा. तो रियर इसलिए लेंथ माइनस वन हो गया. ठीक है, अब देखो मैंने प्रिंट करा दिया, मैं पहले फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करा देती हूँ. प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पे क्यू का फ्रंट में 0 इंडेक्स है. ठीक है, क्यू का फ्रंट मैंने प्रिंट करा दिया, और मैंने यहाँ पे इसको शो कर दिया ये क्या है, ये मेरा फ्रंट है, दिस इज फ्रंट. राइट, ओके. अब मैं क्या करूँगी, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, फ्रंट को तो मैंने प्रिंट करा दिया है, तो बाकी के एलिमेंट्स के लिए मैं फोर लूप यहाँ पे चलाऊँगी. फोर, ठीक है, फोर ए इन रेंज. अब देखो मैं फर्स्ट एलिमेंट तो प्रिंट करा चुकी हूँ, तो मैं वन इंडेक्स से स्टार्ट करूँगी, वन से लेकर रियर तक. ठीक है, वन से लेकर रियर तक मैं इसको प्रिंट कराऊँगी. ठीक है, प्रिंट करा दिया, प्रिंट क्यू ए. ठीक है, ओके, राइट. ए क्या करेगा, पहले वन इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करेगा, तो आपने उसको प्रिंट करा दिया, फिर वो टू को एक्सेस करके लाइक दिस. ठीक है, प्रिंट करा दिया. अब मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और दे दी, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया क्यू का रियर. ठीक है, क्यू का रियर, जो रियर आएगा, जो रियर वैल्यू लास्ट वैल्यू आएगी, ओके, उसको मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया, दिस इज रियर वैल्यू. राइट, दिस इज रियर वैल्यू. ओके, इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे F5 करेंगे. तो देखो यहाँ पे आपने पहले क्या करना है, एंटर करानी है वैल्यू. मैंने 20 कराया, ओके, फिर मैंने एंटर कराई, यहाँ पे मैंने 30 कराया, ओके, फिर मैं एंटर कराऊँगी 1 करके, मैंने यहाँ पे 40 करा दिया. ठीक है, एक वैल्यू और एंटर करा देते हैं, यहाँ पे मैंने 50 कराते हैं, 50 करा दिया.
राइट अब मेरी चॉइस क्या है डिस्प्ले कराने की, तो मैंने डिस्प्ले कराया, तो देखो यहाँ पे 20 है वो दिखा रहा है ये फ्रंट है, और जो 50 है वो क्या है आपका रियर है। ओके ये आपका क्या हो गया, आपने यहाँ पे क्यू को डिस्प्ले करा दिया। फाइन तो आपने यहाँ पे सारे ऑपरेशंस करके देख लें, एन क्यू डी क्यू, अगर मान लो मुझे डी क्यू फिर से, मैं आपको शो कर देती हूँ डी क्यू और पीक रह गया ना, फिर से डिस्प्ले कर देती हूँ, मैंने फिर से कंटिन्यू कर दिया यहाँ पे कंटिन्यू, और मुझे यहाँ पे टू करना है, डी क्यू करना है, राइट डी क्यू करना है, तो कौन सा एलिमेंट मेरा डिलीट हो गया, 20 डिलीट हो गया, राइट ओके, क्योंकि फ्रंट वाला डिलीट होता है। और अगर अब मैं डिस्प्ले कराती हूँ, अगर मैंने अब फोर किया तो अब आपका कौन सा एलिमेंट बन जाएगा, फ्रंट 30 बन जाएगा, तो देखो अब आपका 30 बन चुका है। ओके और अगर आपको पीक देखना है विदाउट रिमूविंग इट, तो आप 3 चॉइस डाल दो आपकी, आपका देखो 30 आ जाएगा, पीक का एलिमेंट 30 है, यहाँ पे 30 आ गया, राइट। तो यहाँ पे हमने क्यू के ऑपरेशंस कर लिए हैं सारे, ठीक है। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।